वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज है हरिद्वार में हमारा दूसरा दिन और सुबह के हो गए हैं 5:30। मैं उठ चुकी हूँ, नोनू भी उठ चुके हैं और अब हम फटाफट से रेडी होंगे और आज हमने जाना है मनसा देवी मंदिर। और आज हमारा टूर रहेगा ऋषिकेश का और वो आज अभी बालकनी में गए हैं। दिखाती हूँ आपको, वो खड़े नॉर्मल। मैं आ गई हूँ अंदर, तो गाइस चलो रेडी होके और आपको मिलते हैं फिर। सो फाइनली गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं आपको अपना पूरा आउटफिट भी दिखाऊंगी और बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और अपनी नोनू जो है वो नहा रही हैं और मैं तो हो गई रेडी। सो गाइज बाकी फ़ोटो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक करो। अब हम आए हैं कुछ खाने के लिए और हमने बनवाया आलू प्याज का पराठा साथ में चाय, दोनों ने खा लिया और मैं अब खा रही हूँ। तो गाइज अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश और हम ऑटो में बैठ चुके हैं। सो गाइज ऋषिकेश जाते हुए रास्ते में मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जो भी आ रहा था मैंने वो कैप्चर कर लिया और आपको दिखाएंगे। देखो वाइट, वाओ कितना प्यारा लग रहा था ना ये सही में। गाइस हम ऋषिकेश में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आए हम त्रिवाणी घाट। गाइस हम आ गए त्रिवाणी घाट के अंदर। अच्छा द्वार बन, तेरा बंदा इतना घूमने वाला है, तू मेरे साथ क्या? इतनी सारी सीढ़ियां हैं, ये है त्रिवेणी घाट। गाइस पीछे का व्यू देखो आप। पीछे माउंटेन्स। यही काम है हम पत्थर के ऊपर आएंगे। गाइस अब अभी हमने करवाया है फोटो शूट और अभी हमारी फोटो आ रही है। मैं मोबाइल घेर दूंगी, कोई नहीं नवा आ जाएगा ना फिर। सो गाइस अब हम यहाँ से जा रहे हैं घाट से और अब मैं जाएंगे घूम के आएंगे और वहाँ पे आपको भी दिखाएंगे। तो बाय बाय घाट। कैसा लगा फोटो वगैरह करवा के? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे यहाँ पर आके, शांति सी शांति मिली, सुकून। ये गाइस ऋषि कुंड है। तो गाइस सामने आप देख सकते हैं वेलकम टू राम झूला लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमारी थी एंट्री और आगे हमने अंदर पैदल ही जाना है क्योंकि अंदर कोई व्हीकल नहीं जाता। गाइस ये राम झूले की मार्केट, इसके अंदर आए हैं हम अभी और यहाँ पे अब हम गन्ने का जूस बनवा रहे हैं। गाइस मार्केट आप देख सकते हैं और इसी बात पे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, करें चैनल को जितना हो सके उतना प्यार दें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। तो इसी के साथ आगे का ब्लॉग साथ में दिखाते हैं। गाइस देखो आपको दिख ही गया होगा सामने झूला, आगे जाके दिखा रहे हैं और ये मार्केट है। गाइस देखो कितने पुराने पुराने घर बने हुए हैं यहाँ।
ग्रेट व्यू। मार्केट गाइस, प्राइस यहाँ पे प्राइस ठीक है, मतलब कोई भी सामान है रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। पर्स देखो, गाइस ये एंट्री है राम झूले की एंट्री। गाइस ये देख सकते हैं, ये बाबू ये हिल सा रहा है। हाँ हिलते हैं बाबू, मैंने नहीं, यही तो मजा था वो अपने करा यार, यही तो मजा यार। आ रहे हैं बाबू ये, गाइस ये राम झूला बाबू, इस पे गाइस इस पे चल रहे हैं ना, तो ना थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा है और हिल सा रहा है बाबू। कितनी दूर है, बस आ गया। देखो गाइस कैसा लग रहा है, चक्कर से आ रहे हैं ना, मुझे आ रहे हैं, बट वैसे ठीक है क्योंकि यहाँ साइडों में से ना बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। हमारे साथ साथ आप भी इंजॉय करो गाइस। गाइस ये मंदिर है बाबा काली कमली वाले। सर गाइड करेंगे, आप लोग गाइड से घुमा दें, गाइड से सारा। गाइस ये चोटी वाला रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट और ये ओरिजिनल है। ये भी चोटी वाला रेस्टोरेंट है गाइस, ये भी चोटी वाला रेस्टोरेंट है। ये मंदिर है गाइस सारे। गाइस आपने देखा चोटी वाला रेस्टोरेंट, वहाँ पे चोटी से बना रखी थी। और अब यहाँ हम पैदल चल रहे हैं, ऊंचाई है यहाँ पे। राम झूला तो हमने कर लिया, राम झूला करा ना पर, और सच्ची में गाइस चक्कर से आने लग गए एकदम से उस पर। और अब हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या है। गाइस ये मार्केट है, बहुत अच्छा बना रखा है, नीट एंड क्लीन है। गाइस यहाँ पे तो सारे मंदिर ही मंदिर हैं। ये मंदिर है, इसके अंदर यहाँ से दिखाते हो गाइस। गाइस ये देखो,
फोटो खींचने से क्या बनाना है? मैंने बना लिया। गाइस ये देखो बोरस गाइस आम झूला गाइज अब हम आए हैं ऋषिकेश। ये है ऋषिकेश का व्यू, मैं दिखाती हूँ आपको पूरा। ये देखो गाइज अच्छा है ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और गाइज ये देखो नीचे रहता है फिसलन है यहाँ पे। अब हम जाएंगे वहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे हरिद्वार आके। और आप भी ज़रूर आना, जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहा है ना वो भी ज़रूर आना यहाँ ऋषिकेश में। ये जो सामने दिख रहा है ये राम झूला है गाइस। और अब हम यहाँ पे आ रहे हैं और वो जा रहे हैं नोनू, भागने की हो रही है उनको। बस बस अब मैं जा रही हूँ, आपको दिखाते हैं। ये देखो गाइस कहाँ चले गए हम। ऋषिकेश वहाँ पे होके आ चुके हैं घूम के, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अब हम जाएंगे मनसा देवी, वहाँ जाके आपको मनसा देवी जी के मनसा देवी माता के दर्शन करवाएंगे। और उसके बाद हम जाएंगे चंडी माता पे। तो बाय बाय ऋषिकेश, बाय बाय कर दो ऋषिकेश को। तो गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ से, हम आ गए राम झूला। बस यहाँ से निकल रहे हैं राम झूले से। अगर गाइस आपको व्यूज़ यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस अब हम आ गए हरिद्वार और मैं अपने आप यहाँ से मनसा देवी का मंदिर दिखाती हूँ। ऊपर जा रही हूँ यहाँ से, ऊपर यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको मनसा देवी का मंदिर। देखो गाइस रेड कलर में दिख रहे कढ़ाई। ये मनसा देवी का मंदिर है और अब हम यहाँ पे जा रहे हैं और आपको भी वहाँ के दर्शन करवाएंगे। तो गाइस हम फिर से आ गए हैं जिस पे हमने कल खाया था ना समोसा, उसी के पास। तो गाइस हम यहाँ पे मनसा देवी के मंदिर में आ गए हैं। यहाँ पे उड़न कटोले की टिकट देखते हैं और फिर प्रसाद भी लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। दीदी गाइस हमने प्रसाद ले लिया और नोनू वहाँ पे टिकट लेने के लिए गए। और ये देखो ट्रेन जा रही है, देखो गाइस यहाँ पे कितनी भीड़ है। गाइस हमने उड़न खटोला ही ले लिया और उसी में जाएंगे मनसा देवी, फिर आगे का वहीं से ही देखते हैं। अब पहले हम टिकट ले लें और उड़न खटोले में बैठ के फिर आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे। तो गाइस उड़न खटोले में 2 घंटे की वेट थी, तो अब हम ऐसे ही जा रहे हैं, मतलब पैदल ही कर लेते हैं, आधे घंटे का रास्ता है। एक मिनट बाबू देखना प्रसाद तो पकड़ लो, छोड़ तो हाँ डाल लो। अभी हुए हैं 4 बज चुके हैं गाइस, 4:30 बजे तक हम वहाँ पहुँचेंगे और 7:30 बजे तक दर्शन होते हैं। तो हम यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आगे फिर प्लेन रास्ता है, तो हम यहाँ से पैदल ही चढ़ाई कर लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं चंडी देवी का कैसे रहेगा। तो आपको भी साथ साथ चढ़ाई कराएंगे, तो आप भी साथ बने रहिए हमारे।
दो घंटे की वेटिंग हमसे नहीं होगी, तो हम पैदल ही चल जाएंगे। आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से, तो अभी 4 बजी है, 4:30 5 बजे तक पहुँचेंगे और माथा मोटा टेक जाएंगे और वहाँ जाके आपको दर्शन करें। तो हम पहुँच जाएँ फिर आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। गाइज ये मनसा देवी का रास्ता है, तो हमारे साथ बहुत बुरी बनी गाइज, हमें उड़न खटोला नहीं मिला। 2 घंटे से तक रुकेंगे तो हम रैली करके आ जाएंगे। कोई नहीं गाइज अब पैदल ही चल लेते हैं। गाइज पीछे का व्यू देखो, बस हम पहुंच ही गए, थोड़ी देर और थोड़ा सा और रास्ता रह गया, बस दिखाती हूँ आपको। देखो गाइस वहाँ बैठी है माता। सो गाइस हमने शॉर्टकट रास्ता लिया और हम यहाँ रास्ते में बस पहुंचने वाले हैं। पहाड़ी थक गए, सारे पहाड़ी। अच्छा तो फिर जहाँ बसने माता को मिली जगह बस। सही में गाइस माता को इतनी ऊपर जाके बसने की जरूरत नहीं थी, देखना तो कहा दिया। बस अभी थोड़ा सा रह गया, पहुँचने वाले हैं गाइस हम भी, वहाँ जाके आपको दर्शन कराएंगे। फाइनली गाइस हम मनसा देवी पहुँच गए, यही पर रख दो जूते चप्पल। तो फाइनली गाइस मंदिर आ गया मनसा देवी का। मनसा देवी की मंदिर है, मार्केट गाइस ये। तो गाइस फाइनली हम मनसा देवी पहुंच गए, आपको भी दर्शन करवाएंगे वहां पे। Thank you.
गाइस मनसा देवी माता के दर्शन हो गए और अब हम जा रहे हैं नीचे, मतलब अपने कमरे में मार्केट जाएंगे पहले, फिर उसके बाद शॉपिंग करके फिर उसके बाद हम जाएंगे रूम पे। तो अब हमारे यहाँ से दर्शन हो गए, तो गाइस हम दर्शन करके आ गए और अब देखो हम कितनी तेज तेज भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ की ढलान पूरी ऐसे स्लिप पर ले, दिखाऊँ आपको। तो गाइस इन्होंने लिया चंदन और ये देखो गाइस यहाँ का व्यू, वाओ। और यहाँ से हम जाएंगे अभी वापस। आज हमने एक दिन में दो टूर करे, पहले हमने ऋषिकेश का करा और अब हमने मनसा देवी का। 5:30 हो चुके हैं, 5:30 बजे तक हम दर्शन करके आ चुके हैं गाइस और 6 बजे तक हम पहुँच जाएंगे नीचे। सो गाइस ये देखो ये है लंगूर बंदर, इनका जो है ना आगे से जो फेस होता है वो काला होता है और इनकी पूंछ देखो गाइस कितनी लंबी है। फाइनली गाइस तक हार के मनसा देवी माता के मत दर्शन करते हैं और अब हम घाट पे आ गए, मतलब गंगा मैया के पास आ गए और ये बैठे, ये भी थक गए और देखो मेरी लिपस्टिक उतर गई आज, और आज हम बहुत थक गए क्योंकि पहले सुबह ऋषिकेश गए फिर मनसा देवी गए इसलिए थकावट हो गई और आज हम नहाए भी नहीं मीन्स गंगा स्नान नहीं किया आज हमने, कल करेंगे सुबह। और कल भी आपने अब लोग देखोगे और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना गंगा मैया के लिए। फाइनली गाइस हम रूम पे पहुंच गए हैं और अब ये गए वॉशरूम और मैं वॉशरूम, अब हम फटाफट से यहाँ पे खाना खा लेते हैं, खाना खा के फिर आएंगे दोबारा रूम पे, फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट यहाँ आसपास जाएंगे जैसे गोलगप्पे वगैरह खाएंगे तो आपको खुलते टाइम, और फिर कल हमने जाना है तो मैं उसका सामान सब तैयार कर लूँगी।